गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर। फॉरवर्ड्स के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला है, एलिमिनेट करता है फ्यूचर रिस्क को। जैसा कि हमने पहले ऊपर भी अपने लास्ट लेक्चर में बात की कि ये हेल्प करता है आपको हेजिंग में। देन डिलीवरी डेट्स आप सेट कर सकते हो मैच करके अपने कैश फ्लो से। इंश्योर करता है मार्केट लिक्विडिटी को। नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज डिफरेंस क्या है फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स के बीच में। पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज की। जो फ्यूचर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज डेरिवेटिव्स होते हैं, जबकि जो फॉरवर्ड्स हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। डिफॉल्ट की बात करें तो फ्यूचर्स में डिफॉल्ट रिस्क जो है बाय पार्टीज वो बहुत कम होता है, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउसेज जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। जबकि जो फॉरवर्ड्स है उसमें चांसेस जो है डिफॉल्ट बाय पार्टीज वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। फ्यूचर्स में मार्जिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि फॉरवर्ड्स में मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रेडिंग की बात करें तो जो फ्यूचर्स हैं उनकी ट्रेडिंग रिकॉग्नाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में आप करते हो, जबकि जो फॉरवर्ड्स हैं वो ट्रेड होते हैं ओवर द मार्केट और ऑफ एक्सचेंज। फ्यूचर्स की बात करें तो सेटलमेंट, अगर हम कहें तो जो सेटलमेंट है फ्यूचर्स की वो मार्क्ड टू मार्केट डेली होती है, जबकि जो सेटलमेंट है कॉन्ट्रैक्ट्स की वो अकर करती है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स में जो रिस्क लेवल है वो लो है, जबकि जो फॉरवर्ड्स हैं वहाँ पे रिस्क एक्सपोजर आपका हाई होता है। फ्यूचर्स में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल किया जाता है कैश में, और फॉरवर्ड्स में जो एक्चुअल डिलीवरी है वो होती है। फ्यूचर्स की बात करें तो जनरली स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं वो फ्यूचर्स को यूज़ करते हैं, जबकि जो फॉरवर्ड्स हैं उन्हें हेजर्स यूज़ करते हैं। साइज की बात करें तो फ्यूचर्स का साइज स्मॉल होता है और फॉरवर्ड्स का साइज लार्ज होता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात करें तो फ्यूचर्स बेस्ड होते हैं बाय एंड सेल ऑर्डर्स पर, जबकि जो फॉरवर्ड्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन बिड एंड बिड रिस्क स्प्रेड्स। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डेरिवेटिव्स का, दैट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं, ये भी एक टाइप है डेरिवेटिव का। इसमें भी एग्रीमेंट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में। प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे आप अंडरलाइंग एसेट को बाय और सोल्ड करोगे एट अ प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर डेट। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, फ्यूचर में आप के पास ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस में आप राइट दे रहे हो, बायर और सेलर जो है वो एक दूसरे को राइट दे रहे हैं कि आपके पास राइट है ये डिसाइड करने का कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसे आपने फ्यूचर में फुलफिल करना है या नहीं करना है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पे जो सेलर है वो बायर को राइट देता है और उस राइट देने के लिए वो उससे कुछ चार्ज करता है। जो चार्ज उससे किया जा रहा है उसे ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव है जिसमें जो राइटर है या जो होल्डर है ऑप्शन का वो ग्रांट करता है राइट, ऑब्लिगेशन नहीं, राइट देता है जो बायर है उसको कि वो परचेज कर सकता है उससे या सेल कर सकता है टू दी राइटर कोई भी अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इन और एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। ये जो राइट जो दे रहा है वो सेलर देता है बायर को इन एक्सचेंज फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसे ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। जो प्राइस है जिस पे अंडरलाइंग एसेट को आप बॉट और सोल्ड कर रहे हो उसे स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है। जो ऑप्शंस हैं इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन किसे कहते हैं, जब जो राइट है सेलर दे रहा है बायर को, किस चीज़ की राइट, टू परचेज अंडरलाइंग एसेट फ्रॉम हिम, तो उसे कॉल ऑप्शन कहा जाता है। पुट ऑप्शन जब जो बायर है वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है राइट सेल करने की, तो उसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं।
ऑप्शंस जो है उन्हें वेरियस अदर बेसिस के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे ऑन द टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। अगर जो ऑप्शन है जब आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हो किसी भी टाइम पे जब तक एक्सपायरेशन डेट है तो उसे अमेरिकन ऑप्शन कहा जाएगा, जबकि जो यूरोपियन ऑप्शन है वो सिर्फ जो डेट उसमें मेंशन है, फ्यूचर डेट जो मेंशन है, जो अगर आप उसे सिर्फ तभी एक्सरसाइज कर सकते हो तो उसे यूरोपियन ऑप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डेरिवेटिव्स का, दैट इज स्वैप। स्वैप का मीनिंग होता है एक्सचेंज या इंटरचेंज। जब हम फाइनेंस में बात करते हैं तो जो एक और टाइप ऑफ डेरिवेटिव आता है दैट इज स्वैप्स। स्वैप्स में क्या होता है, दो पार्टीज प्राइवेट एग्रीमेंट करती है कि वो एक्सचेंज करेंगी एक दूसरे के साथ। एक्सचेंज क्या करेंगी, कैश फ्लो या सीरीज ऑफ कैश फ्लो या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एट अ प्री डिटरमिंड इंटरवल्स। इसका मतलब है दो पार्टीज है ए और बी, दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रही हैं कि हम एक दूसरे के साथ जो कैश फ्लो है वो एक्सचेंज करेंगे। कि मेरा सपोज एग्जांपल अगर हम दें कि एक पार्टी है उसने लोन लिया हुआ है, दूसरी पार्टी है उसने भी लोन लिया हुआ है, एक पार्टी ने लोन लिया है फिक्स्ड रेट से, मतलब जो उसको उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना है वो सपोज हम कहते हैं 5% से पे करना है, जबकि जो दूसरी पार्टी है उसने जो लोन लिया हुआ है वो फ्लोटिंग रेट से लिया है। फ्लोटिंग रेट की सपोज उसने कहा कि जो इंटरेस्ट है मैं पे कर रहा हूँ पहले जो जितना भी इंटरेस्ट लेबर रेट चल रहा है, जो लंदन इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट है उस रेट का प्लस 2%, और लेबर प्लस 2% मैं पे कर रहा हूँ। तो लेबर रेट सपोज किसी महीने में 3% है तो 3 + 2%, किसी महीने में वो 5% पे कर रहा है। अगले महीने में सपोज लेबर रेट 4% हो गया तो 4 + 2, अगले महीने वो 6% पे कर रहा है। अब दोनों की कंडीशन अलग अलग है, एक फ्लोटिंग रेट से पे कर रहा है इंटरेस्ट रेट, दूसरा फिक्स रेट से पे कर रहा है। फिक्स रेट वाला कहता है कि जो मेरी इनकम हो रही है ना वो थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है तो मैं फिक्स्ड से पे नहीं कर सकता, मैं फ्लोटिंग से करना चाहता हूँ। और जो फ्लोटिंग वाला है वो कहता है कि मैं फिक्स्ड से करना चाहता हूँ। तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ये जो इंटरेस्ट रेट की पेमेंट का जो ऑप्शन है वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने जो कैश फ्लो जा रहा है उनका इंटरेस्ट रेट पे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रीडिटरमाइंड इंटरवल्स पर। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वैप कहते हैं। दिस इज वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। जो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कस्टमाइज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, टेलर्ड होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी पार्टीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो उसे चेंज करते हैं। जो यूटिलिटी है स्वैप की वो रियल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो पार्टीज को मिलता है, और वो पॉसिबल क्यों हो पाता है, ड्यू टू बैरियर्स जो प्रिवेंट करते हैं टू फंक्शनिंग ऑफ आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज हम किसे कहते हैं कि आप एक मार्केट, सेम चीज़ है एक मार्केट में कम रेट पर मिल रही है, आप उसे कम रेट पर खरीद के दूसरी मार्केट पे जहाँ पे ज़्यादा रेट में अवेलेबल है वहाँ पे आप उसे बेच लेते हो, या उल्टा अगर आपका बेनिफिट दूसरे तरीके से हो रहा है तो आप ज़्यादा पे खरीद के कम पे कर रहे हो। तो जैसे भी है, मतलब डिफरेंस जो आ रहा है रेट्स के बीच में उससे आप अगर बेनिफिट कमा रहे हो तो उसे हम आर्बिट्रेज कहते हैं। तो जो बैरियर्स हैं ये जो प्रिवेंट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ आर्बिट्रेज, उसी से यूटिलिटी होती है स्वैप्स की, जो आपको प्रोवाइड करता है रियल इकोनॉमिक बेनिफिट पार्टीज को। वो क्या है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं फॉरवर्ड्स और स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पर, और जो डिफरेंट परसेप्शंस हैं रिगार्ड ऑफ इंटरेस्ट अबाउट रिस्क एंड क्रेडिट वर्दीनेस। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने, दैट इज टाइप्स ऑफ स्वैप्स। जो सबसे पहला है दैट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, मोस्ट कॉमन टाइप स्वैप्स का। ये ट्रांजेक्शन है बिटवीन बायर एंड सेलर, जिसमें जो बायर है इंटरेस्ट रेट स्वैप का वो एक्सचेंज करता है स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल अमाउंट पर जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है वो
एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पेमेंट होनी है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। जो इसकी मेच्योरिटी है वो 1 साल से 15 साल तक की हो सकती है। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है कूपन स्वैप, दूसरा है बेसिस स्वैप और तीसरा है बॉन्ड स्वैप। कूपन स्वैप में जो बायर है इंटरेस्ट रेट स्वैप का, वो एक्सचेंज करता है फिक्स्ड रेट ऑब्लिगेशन को फ्लोटिंग रेट स्वैप से, उसे हम कूपन स्वैप कहते हैं। देन नेक्स्ट है बेसिस स्वैप। बेसिस स्वैप में जो टाइप है इंटरेस्ट रेट स्वैप का, उसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ टू फ्लोटिंग रेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं। तीसरा है बॉन्ड स्वैप। बॉन्ड स्वैपिंग में वो प्रोसेस है जहाँ पे आप साइमल्टेनियसली सेल और बाय कर रहे हो बॉन्ड्स को। जो होल्डर है बॉन्ड का, वो सेल करता है बॉन्ड को और जो भी उससे पैसा उसे मिलता है उससे वो परचेज करता है दूसरा बॉन्ड टू अचीव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जो बॉन्ड स्वैप है उसे फर्दर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन स्वैप, इंटर मार्केट स्प्रेड स्वैप और टेक्स स्वैप। जैसे सब्स्टिट्यूशन स्वैप है, इस स्वैप में जो फीचर्स है बॉन्ड्स के वो सिमिलर होते हैं, बट जो एक्सचेंज और स्वैप होता है एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड के लिए, वो आप क्यों करते हो? क्योंकि कम बॉन्ड पे जिसपे इंटरेस्ट मिल रहा है उसे आप चेंज करते हो उस बॉन्ड से जिसपे इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है। देन इंटर मार्केट स्प्रेड स्वैप, यहाँ पे आप एडवांटेज जो लेते हो वो प्राइस डिफरेंस का लेते हो। दो मार्केट्स में आप बॉन्ड्स को एक्सचेंज करते हो डिफरेंट मार्केट सेक्टर्स में। जैसे आपने गवर्नमेंट बॉन्ड को चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया इंडस्ट्रियल बॉन्ड से। नेक्स्ट है टैक्स स्वैप। टैक्स स्वैप में एक्सचेंज होता है टैक्सेबल बॉन्ड का नॉन टैक्सेबल बॉन्ड के साथ। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ करेंसी स्वैप्स। इसे फॉरेन एक्सचेंज स्वैप भी कहा जाता है। करेंसी स्वैप्स में दो पार्टीज एक्सचेंज करती है कैश फ्लो डिफरेंट करेंसीज में। जो फीचर्स है करेंसी स्वैप्स के वो क्या है? ये कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है कंपनीज को अगर जो डिफरेंट रेट है डिफरेंट करेंसीज का डिफरेंट बॉरोअर्स के लिए। हेज कर सकते हो इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट रिस्क को। लॉन्ग डेटेड फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स आप इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेप्ट इक्विटी स्वैप। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे आप एक्सचेंज कर रहे हो डेप्ट को इक्विटी के साथ या इक्विटी को डेप्ट के साथ। जो बेनिफिट होता है इस टाइप ऑफ स्वैप का वो ये हेल्प करता है कंपनी को रिड्यूस करने में उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कन्वर्ट करके डेप्ट को इक्विटी में। कंपनी एडवांटेज ले सकती है फेवरेबल मार्केट कंडीशंस का और कन्वर्ट कर सकती है लो कॉस्ट डेप्ट को हाई कॉस्ट इक्विटी में। देन अलाउ कर सकती है इन्वेस्टर को कि ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो इन्वेस्ट कर सके सिक्योरिटी में, अर्न कर सके रिटर्न जहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू लीगल इश्यूज। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ वॉरेंट्स। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।